राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 3 महीने में बीजेपी पार्टी को हैंडओवर कर लेंगी राजस्थान में। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद बीजेपी के ही नेता कह रहे हैं, और नेता भी कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि एक वरिष्ठ नेता। नमस्कार, मैं हूँ छवि अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। जी हाँ, बात कर रहे हैं उस ऑडियो की जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और उस ऑडियो के वायरल होने के बाद से मानिए बीजेपी में तो हड़कंप मच गया है। आज लीडर को मार के वसुंधरा को हटा करके चुनाव कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। आजाद देखो, 100% 3 महीने बाद वसुंधरा विल टेक ओवर, कोई रोक नहीं सकता। ये ऑडियो है रोहिता शर्मा, वही नेता जिन पे कुछ दिन पहले अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी और उनसे कहा गया था कि वो पार्टी के अनुशासन में नहीं है, इसलिए उनसे जवाब तलब किया गया था और उन्होंने अपना जवाब दिया भी। इस दौरान काफ़ी अच्छी तकरार भी देखने को मिली थी रोहिता शर्मा और सतीश पूनिया के बीच, या फिर कहें जो बीजेपी का अभी यहाँ संगठन में जो यहाँ पे नेता हैं उनके बीच और वसुंधरा खेमे के बीच। लेकिन इस तकरार के सामने आने के बाद काफ़ी बातें उठने भी लगी थी। खुद रोहिता शर्मा ने कहा था कि, और उसी तुरंत उसी के बाद सतीश पूनिया का भी एक लेटर वायरल हुआ था, वो पत्र जो उन्होंने कई सालों पहले लिखा था गुलाबचंद कटारिया को, वो पत्र भी वायरल हुआ और उसके बाद बयान के तो मानिए बाढ़ आ गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिर से एक ऑडियो वायरल होता है और इस ऑडियो में रोहिता शर्मा कह रहे हैं एक कार्यकर्ता को, वो उनको समझा रहे हैं कि आप अपने किस तरह आप कर रहे हैं, आपको फोन किया आपने जवाब नहीं दिया, तो उनका कहना है कि हम बीजेपी के हैं। तो वो कह रहे हैं कि रोहिता शर्मा इसमें कि हम भी तो बीजेपी के ही हैं, हम भी सब बीजेपी पार्टी के हैं और हम भी बीजेपी के झंडे के पीछे ही हैं, लेकिन 3 महीने में वसुंधरा राजे हैंडओवर कर लेगी पूरी पार्टी को। अब ऐसे में तुम अगर किसी और के ऊपर जा रहे हो, जिसमें बार बार कहा जा रहा है माटी नेताओं के यानी मिट्टी समान नेताओं के, और ये कहा जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को, साफ तौर पर स्थिति समझ में आती है। ऑडियो वायरल होने के बाद जो एक अंदरखाने बीजेपी में लड़ाई चल रही थी, जो अंदरखाने कई बयानबाजी भी हुई थी, और जब सतीश पूनिया का लेटर वायरल हुआ उस दौरान तो खासकर ये खुलकर सामने आ गई थी, और अब उसी में कह सकते हैं कि वो जो आग लगी थी घी डालने का काम हो चुका है। अब इस ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी में मानो हड़कंप मच गया है कि 3 महीने बाद आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि वसुंधरा राजे फिर से पावर में आ जाएंगी, और अगर वसुंधरा राजे पावर में आती हैं तो सतीश पूनिया गुट का क्या होगा, गजेंद्र सिंह शेखावत गुट का क्या होगा, और जो अन्य लोग खुद को मुख्यमंत्री के पद पर देख रहे हैं उनका क्या होगा। बीच बीच में तो बात उठती रही कि दिया कुमारी को ऊपर उठाया जा रहा है वसुंधरा राजे से। अब ऐसे में उन सभी लोगों की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। देखना होगा कि बीजेपी में जो ये एक ऑडियो क्लिप आई है, हालांकि छोटी सी ऑडियो क्लिप है, लेकिन इस ऑडियो क्लिप ने किस तरह का तहलका मचा दिया है। अब देखना होगा कि 3 महीने में ऐसा क्या कुछ होता है और वसुंधरा राजे जो इतनी खामोश है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता या उनके साथ के जो नेता है वो इतने आश्वस्त हैं, तो ऐसा क्या होने वाला है और ऐसा क्या नया हथियार खुद वसुंधरा राजे को मिला है जिसके बाद उनके जो साथ के नेता हैं, जो उनके गुट के नेता हैं, वो इतने आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। ये सब देखना होगा और बीजेपी में आने वाले समय में क्या कुछ नया होता है, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसके बाद एक बात तो साफ है कि बीजेपी की जो गुटबाजी है वो कांग्रेस से भी आगे निकलती हुई नज़र आ रही है, कांग्रेस को भी फेल करती नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि इस गुटबाजी में आगे क्या कुछ होता है, कौन बाजी मारता है, कौन आगे जाता है और कौन पार्टी को अपनी हाथ में रखता है, या कहें कि पार्टी की कमान किसके हाथ में रहती है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया है शेयर करना ना भूले। नमस्कार।